हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रूप में चुन लिया गया है। यह चुनाव गृह मंत्री अमित शाह, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जैसे बड़े नेताओं के सामने हुआ। इस बैठक में पहुंचे बीजेपी के मौजूदा विधायकों से प्राइम टीवी ने खास बातचीत की है। इन नेताओं का क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। तो अभी जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो लगभग चल रही है और कल शपथ ग्रहण समारोह होना है और यहाँ पर ये जो बाकी का जो आगे की जो प्रक्रिया है वो भी चलेगी और भी जो विधायक हैं वो आ रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे। जो विधायकों के आने की जो प्रक्रिया है, जो शुरुआत है वो लगभग हो चुकी है। बीजेपी के जितने भी जीते हुए विधायक हैं उनकी आने की जो प्रक्रिया है वो लगभग अब शुरू हो चुकी है। जिस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, गोंडा से जीत कर आए हुए हैं सर, आज विधायक दल की बैठक है, एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुनना है, क्या तैयारियाँ हैं आगे? बहुत तैयारी पूरी है और आम जनता के बीच में खुशी की लहर दौड़ रही है कि बहुत दिन के बाद कोई योगी दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह भी होना है, क्या लग रहा है कि कुछ इस बार नई रणनीति के तहत सरकार काम करेगी? सरकार पूरी तरह से विकास के प्रति, सुशासन के प्रति कटिबद्ध है और योगी जी का जो अपना संकल्प है वो संकल्प सब पूरा होगा। बात करने के लिए तो ये थे पलटू राम, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये उत्तर प्रदेश में बहुत ही अहम है कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होंगे और सरकार एक नई रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश में विकास के पथ पर काम करेगी। राजेश्वर सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, विधायक दल की बैठक में पहुंचे हुए हैं। सर आज विधायक दल की बैठक है, एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप लोग चुनने वाले हैं विधायक दल के नेता के रूप में, क्या आगे की रणनीति रहेगी? बहुत अच्छी सरकार चलेगी, उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का सपना है और उत्तर प्रदेश विकास की राह पे चल रहा है और तेजी से चलेगा। सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, इसी पे सरकार चली है 5 साल और ऐसे ही सरकार चलेगी। योगी आदित्यनाथ जी ने एक बहुत मजबूत, बहुत ईमानदार, बहुत दमदार सरकार दी थी, ऐसे ही सरकार फिर से रहेगी। उम्मीद जताई जाए कि कल आप भी जा रहे हैं सुबह चाय पीने के लिए मुख्यमंत्री जी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, शपथ ग्रहण कुछ नहीं है, मेरे क्षेत्र का विकास करना है मुझे, सरोजनी नगर का मेरी प्राथमिकता वो है। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो ये राजेश्वर सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार बेहतर तरीके से काम करेगी और उसी लक्ष्य पर हमने पहले भी काम किया था और आगे के 5 साल भी हम काम करने वाले हैं। बात प्रभाव जी हमारे साथ मौजूद हैं, विधायक हैं, विधायक दल की बैठक में आए हुए हैं, अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुनना है, सरकार कैसे काम? सरकार अच्छा काम पहले भी किया और आगे जो बचे काम उसको हम लोग पूरा करेंगे और अच्छे से फिर काम होगा। कल सरकार गठन होने के बाद में फिर काम तेज गति से शुरू होगा। शपथ ग्रहण समारोह है, कई मंत्री बनेंगे, उम्मीद जताई जाए कि इस बार आपका नाम भी है? अब ये तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, जिसका नाम आएगा वो मंत्री बनेगा। बात करने के लिए तो ये प्रभात वर्मा जी थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार ने पहले भी बेहतर काम किया था, इस बार भी बेहतर काम करेगी और कल फैसला हो जाएगा कि किसको मंत्री बनना है, किसको मंत्री बननी नहीं है। कई और विधायक जो है उनका आने का जो सिलसिला है वो अब लोक भवन में शुरू हो चुका है, लगातार विधायकों का जो आने का सिलसिला है वो इस वक्त तेजी पर है और इसी कड़ी में अगर हम आपको बताएं तो संजय निषाद आ चुके हैं, निषाद पार्टी के अध्यक्ष, इस वक्त हमारे साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। संजय निषाद हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी आज आप आए हैं यहाँ पर विधायक दल का नेता चुनना है, क्या तैयारियां हैं आगे की, कैसे सरकार? भारतीय जनता पार्टी बड़ी भाई है, छोटी भाई है, हम लोगों ने जो सोचा था वो हो गया, जीत ऐतिहासिक देना था, दे दिया। सुनने में आ रहा था कि कुछ मंत्रियों की मांग भी की गई है, कल 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 शपथ ग्रहण का समारोह भी होना है, कुछ मंत्री का चल रहा है। ऐतिहासिक समारोह है, ऐतिहासिक जीत है, हम लोग पद प्रतिष्ठा ने नहीं अपने समाज की सेवा के लिए पैदा हुए, उसके लिए काम करें। धन्यवाद बात करने के लिए। तो संजय निषाद हमारे साथ मौजूद थे, जो कह रहे थे कि हम बेहतर तरीके से काम करते आए हैं और बेहतर तरीके से काम करेंगे। विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए राजेश त्रिपाठी जी आए हुए हैं। राजेश जी, विधायक दल की बैठक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से नेता आप लोग चुनेंगे, कैसे सरकार काम करेगी? बिल्कुल, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ काम करेगी। शपथ ग्रहण समारोह है, सुनने में आ रहा है कि कुछ 40-50 ऐसे मंत्री हैं जिनको शपथ दिलाई जाएगी, उम्मीद करी जाए? मुझे कुछ नहीं पता, ये नेतृत्व जानेगा। धन्यवाद बात करने के लिए। तो राजेश त्रिपाठी कह रहे हैं कि नेतृत्व जानेगा कि किसे मंत्री बनाना है, किसे मंत्री नहीं बनाना है, लेकिन हाँ सरकार बेहतर तरीके से पहले भी काम कर रही थी, इस बार हमारे साथ मौजूद हैं जीत के विधायक बने हुए हैं और आज विधायक दल की बैठक में आए हुए हैं। विधायक जी आज विधायक दल की बैठक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से आप लोग अपना नेता चुनेंगे, सरकार कैसे काम करेगी? सरकार पहले से बेहतर करेगी, जनता ने जिस विश्वास के साथ हमें प्रचंड बहुमत दिया है उस पर हम और प्रयास करेंगे, उससे बेहतर करेंगे। कल सुबह कुछ चाय पे कुछ लोगों को बुलाया गया है मुख्यमंत्री आवास पर, हम शुभकामनाएं देते हैं कि आपको भी बुलाया गया हो। मेरी ऐसी कोई जानकारी नहीं है,
बुलाया होगा तो जिनको बुलाया होगा उनके पास सूचना होगी, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है ऐसी। और दूसरी चीज़ ये बात करी जाए, विपक्ष की कोशिश इस बार है क्योंकि अखिलेश यादव भी अब उत्तर प्रदेश में ही रहेंगे और ये कह रहे हैं कि हम सरकार को हर मुद्दे पर घेरने के लिए तैयार रहेंगे, कितना कारगर सिद्ध हो सकता है उनका ये फैसला? रहें, विपक्ष तो पहले भी रहा है, इस बार भी रहे, लेकिन हमारा काम इतना बेहतर होगा कि विपक्ष कुछ कर ही नहीं पाएगा। बात करने के लिए तो ये धर्मवीर प्रजापति जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हमने पहले भी बेहतर काम किया था और इस बार भी हम बेहतर काम करके उत्तर प्रदेश में विकास के रास्ते को बढ़ाएं। देवरिया सदस्य जीत के शलमणि त्रिपाठी जी हमारे साथ आ चुके हैं, इस वक्त विधायक दल की बैठक में मौजूद हैं। पहले फायर ब्रांड पत्रकार थे, अब फायर ब्रांड विधायक हैं। सर, अब आप विधायक हो चुके हैं, पहले पत्रकार थे, हम लोग ने आपसे बहुत कुछ सीखा है, अब राजनीति भी क्या सीखने वाला है आपसे? नहीं, हम आपसे सीखने का प्रयास करेंगे। पत्रकार के तौर पे कई बार सवालों को पूछते थे, नेताओं को घेरते थे, अब ये प्रयास करेंगे कि सवालों का उत्तर दे सकें। जनता ने जो विश्वास किया है, उत्तर प्रदेश की महान जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, उस कसौटी पे कैसे खरा उतर सकें, इसका प्रयास करेंगे। शपथ ग्रहण है, उसके बाद सरकार अपने पूर्ण तरीके से काम करना शुरू कर देगी, क्या रणनीति है आगे के 5 साल? बहुत ईमानदारी से, जिस जवाबदेही के साथ पिछली बार काम हुआ 5 साल, हमारी चुनौतियों की उससे बेहतर काम कैसे कर सकें ये बताएं कि और बेहतर हम काम कर रहे हैं। माननीय योगी जी ने भी कहा है, शीर्ष नेतृत्व ने भी कहा है कि जो हम टॉप 5 इकोनॉमी में आए हैं, हमारा लक्ष्य होगा कि हम टॉप पे आए, 1 नंबर पे आए। ये सारे काम होंगे, बाकी आप देखिए रहे, काम तो शुरू हो चुका है, कोई सरकार ने छुट्टी नहीं ली है। जैसे रिजल्ट आया उसके बाद से पूरी सरकार अपना काम कर रही है, गरीबों के हक में, महिलाओं के हक में, नौजवानों के। सब भी चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं सबकी अपेक्षा है कि मंत्रिमंडल में आप भी शामिल हो, कुछ ऐसा है? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता की भूमिका होती है, एक कार्यकर्ता के तौर पर जो भी हम सब कर पाएंगे वो करेंगे, क्योंकि जनता ने बहुत आशीर्वाद दिया है, जनता की पूरी सेवा होगी। बात करने के लिए तो ये शलमणि त्रिपाठी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी एक बार फिर से बेहतर तरीके से काम करेगी और हम प्रयास करेंगे कि जनता के सवालों का जवाब सही तरीके से दें। आज विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना जाना है और इसी वजह से विधायक लोक भवन में आ चुके हैं। रघुपति शास्त्री जी आ चुके हैं। शास्त्री जी, विधायक जी, सर आज विधायक दल की बैठक है, आपको भी एक अहम जिम्मेदारी दी जा चुकी है और आज आप लोग विधायक दल का नेता चुनेंगे, क्या रणनीति है आगे? संगठन और सरकार मिलकर के जो तय करेगी वही हम लोग भी तय करेंगे। मतलब माना जाए कि बुलडोजर चलता रहेगा? चलो, आपके खिलाफ बुलडोजर चलता रहेगा सरकार का। रमापति शास्त्री जी, रमापति शास्त्री जी इस वक्त लोक भवन पहुंच चुके हैं, विधायक दल की बैठक है और इस बैठक में अब प्रोटम स्पीकर भी इन्हें बनाया गया है और इसके अलावा अहम जिम्मेदारी इनको दी गई है और आज विधायक दल का जो नेता है वो चुना जाएगा। विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए महेंद्र सिंह जी आ चुके हैं। सर, आज विधायक दल की बैठक है, आप लोग एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना नेता चुनेंगे, क्या रणनीति है आगे की सरकार? देखिए, भाजपा की सरकार सुशासन की सरकार होती है और सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। मंत्रिमंडल की भी सर तैयारी है, शपथ ग्रहण होना है, क्या उम्मीद लगाई जाए कि कैसे काम किया जाए? बहुत अच्छा काम होगा, उत्तर प्रदेश को नंबर 1 का राज्य बनाने के दृष्टि से और हर तरीके का चतुर्दिक उत्तर प्रदेश का विकास हो, इस दृष्टि से सरकार। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये महेंद्र सिंह जी थी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि एक बार फिर से बेहतर तरीके से उत्तर प्रदेश में काम। रमाशंकर सिंह पटेल जी हमारे साथ आ चुके हैं, इस वक्त विधायक दल की बैठक में मौजूद हुए हैं। पटेल साहब, आज बैठक है, एक बार फिर से आप लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना नेता चुनने जा रहे हैं, कोई और रणनीति कैसे सरकार काम करेगी? नहीं, देखिए, सरकार ने 5 सालों के अंदर कोरोना काल में भी अच्छा काम किया है और उस कार्य के बल पर हमारे लगभग 70% विधायक रिपीट करके फिर सदन में पहुंचे हैं और हमको लगता है कि जो कुछ कमियां रही हों, जनता के बीच में जाने पर कुछ कमियां महसूस हुई हैं, उस और अच्छा करने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी का होगा और बड़ा बेहतरीन कार्य था। कानून व्यवस्था के क्षेत्र में, विकास कार्य के क्षेत्र में, जो गांवों को बिजली मिली, अच्छी सड़क मिली है, जो गरीबों की लाभकारी योजनाएं पहुंची हैं, उसका लाभ कहीं ना कहीं से मिला कि हम लोग भारी मतों से चुनाव जीत करके प्रचंड बहुमत के साथ हम लोग आए हैं। मंत्री रहते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाई थी, इस बार सुनने में आ रहा है कि कुछ कद बढ़ेगा, ऐसा है कुछ? अब देखिए, ये पार्टी संगठन है और जो आदेश निर्देश होगा उसका निश्चित रूप से हम पालन करेंगे। हम लोग तो सांस्कृतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो निर्देश होगा उसका पालन होगा। बात करने के लिए तो ये थे रमाशंकर सिंह पटेल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार पहले भी बेहतर काम कर रही थी और इस बार भी बेहतर काम करेगी। शामिल होने के लिए नंदकुमार नंदी जी आ चुके हैं। सर, क्या रणनीति रहेगी सरकार की आगे की काम करने? ठीक है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास सिर्फ नहीं है नारा, ये है उद्देश्य हमारा। नंदकुमार नंदी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पहले भी हम बेहतर तरीके से काम किए थे और इस बार भी सबके साथ और सबके विकास को लेकर ही काम करेंगे। बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन आज का है, एक बहुत बड़ा जनादेश माननीय योगी जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया। बहुत साल, 37 साल के बाद एक पार्टी वापस आई और बहुत मजबूती से 2/3 बहुमत के साथ वापस आई। बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम सबके सामूहिक कंधों पे है
और उसको मुझे पूरा विश्वास है हम लोग पूरा करेंगे। मंत्रिमंडल के तैयार हैं? हमारी पार्टी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं हम सबकी सामूहिक रूप से हैं और उस पर काम करेंगे। थैंक यू। राम नरेश अग्निहोत्री जी आ चुके हैं विधायक दल की बैठक में। सर, पहले कार्यकाल में भी आप मंत्री के तौर पर थे, इस बार कैसे उत्तर प्रदेश की सरकार बेहतर तरीके से काम करेगी, क्या रणनीति है? माननीय योगी आदित्यनाथ जी पुनः आज मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उनके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और फिर प्रदेश में विकास की गंगा बहाने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी करेंगे। अपराधियों के खिलाफ इसी तरह कार्रवाई होती रहेगी, कठोर कार्रवाई होगी अपराधियों को। तो राम नरेश अग्निहोत्री जी पहले आबकारी विभाग संभाल रहे थे पिछली सरकार में, इस बार देखना होगा कि कौन सा विभाग उन्हें दिया जाता है, लेकिन ये उन्होंने जरूर कहा कि पहले भी हमने बेहतर तरीके से काम किया था और इस बार भी बेहतर तरीके से ही काम। इस वक्त विधायक दल की बैठक में आ चुकी हैं शामिल होने के लिए। मैम, क्या रणनीति है आगे की, कैसे सरकार काम करेगी? बहुत अच्छे से काम करेगी और मुख्य मुद्दा हमेशा से रहा है, हमेशा रहेगा, अच्छी कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर पे फोकस। धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये आदित्य सिंह थी जिनका साफ तौर पर कहना है कि पहले भी हमने बेहतर तरीके से काम किया था और इस बार और बेहतर तरीके से काम बीजेपी की सरकार करेगी। सिद्धार्थनाथ सिंह ये हमारे साथ मौजूद है, विधायक दल की बैठक में आ चुके हैं। सर, क्या रणनीति रहेगी आगे की, कैसे काम? रणनीति अभी तो पहले एक जो विधानमंडल दल के हमारे नेता है उनका चयन हो जाए, फिर उसके बाद रणनीति बताएंगे। आपने 5 साल बेहतर काम किया है, 5 साल फिर काम करने का मौका जनता ने दिया है, कैसे होगा? जैसे पहले कर रहे थे और कड़ी मेहनत के साथ काम करते रहेंगे। राजनाथ सिंह जी का साफ तौर पर कहना है कि पहले की तरह ही इस बार भी हम कड़ी मेहनत के साथ उत्तर प्रदेश में काम करेंगे। अविनाश चंद द्विवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं, चित्रकूट से जीत कर आए हैं, अपना दल के विधायक हैं। यहाँ पर अब विधानसभा में विधायक दल का नेता चुना जाएगा उत्तर प्रदेश में। सर, आज लोकभवन आप आए हैं, विधायक दल की बैठक है, नेता को चुनना है, सरकार कैसे काम करेगी और क्या रणनीतियाँ? नेता को चुनेंगे हम लोग, हमारे नेता जी आशीष जी हैं पटेल, इनके मार्गदर्शन में सब काम होगा हमारा। कल शपथ ग्रहण भी होना है, शपथ ग्रहण होने के बाद सरकार पूरी तरह से बेहतर तरीके से काम करेगी। आप जहां से जीत कर आए हैं उस जगह को मिनी चंबल कहा जाता है, लेकिन आपने एक बड़ी जीत वहां से दर्ज की है, उसके बाद अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति देख करके हम बताएंगे कि कैसे करना है, क्या करना है। तो साफ तौर पर इनका कहना है कि हम आगे की रणनीति देखेंगे और लगातार जो विधायकों का आना जाना का सिलसिला। मैम, आप जीत के आई हैं, अब आगे की क्या रणनीति रहेगी, कैसे काम करना है? देखिए, सरकार का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है अपना दल, तो अपना दल एस, तो मुझे बहुत गर्व है कि मैं अपना दल एस का हिस्सा हूं और अपनी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी का मैं धन्यवाद देना चाहती हूं। आ रहा है कि महिलाओं को तरजीह दी जाएगी इस बार, तो उम्मीद जताई जाएगी इस बार आपको भी कहीं ना कहीं मंत्री के लिए चुना जाए? देखिए, ये निर्णय तो संगठन का होता है, इस निर्णय पे हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, जो संगठन जो जिम्मेदारी देगा उसका हम पूरी तरह निभाएंगे उसको। मैडम, बात करने के लिए। तो साफ तौर पर जो अपना दल के जीते हुए विधायक हैं उनका अब यहाँ पर लोकभवन में आना शुरू हुआ है और इन सबका ये कहना है कि हमने अपने संगठन के जरिए, हमने अपनी पार्टी के जरिए जनता के बीच जगह बनाई और जीत कर आए और अब हम बीजेपी के साथ मिल करके अपने नेता चुनेंगे और उसके बाद सरकार चलाएं। नीरज बोरा जी आ चुके हैं लखनऊ मध्य से जीत कर, आज विधायक दल की बैठक में आए हैं और अब नेता चुना जाएगा यहाँ पर। सर, आज आप लोगों को नेता चुनना है और उसके बाद यहाँ से सरकार काम करना शुरू कर देगी, क्या रणनीति है, कैसे विकास पर काम आप लोग इस बार करने वाले? अरे, अपने तो कार्य योजना पिछले 5 वर्ष में ही तैयार है, तो काम तो चल ही रहा है, अनवरत चल रहा है। जनता ने पुनः मौका दिया है आदरणीय श्रीमान योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनने का, और सरकार बनने के बाद और तेज़ रफ्तार से काम होगा, जो जितने काम विकास के रुके हुए थे फटाफट और तेज़ होंगे। जिस विधानसभा से जीत के आए हैं वहाँ पर पिछली बार कुछ समस्याएं थी ड्रेनेज को लेकर के, आपने बेहतर तरीके से वहाँ पर काम किया और इस बार उत्तर में काफ़ी कुछ टफ फाइट भी थी, लेकिन उसके बावजूद जनता ने आपको जिताया है, उस विधानसभा में बेहतर काम करने के लिए क्या रणनीतियाँ तय कर? पूरी कार्य योजना तैयार है, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य हुआ है और लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, बढ़ चढ़ कर वोट दिया है, 30,000 से भी अधिक मतों से हम जीते हैं इस बार, और मतलब बढ़कर मिले हैं हमें, मार्जिन हमारा 35,000 का था और जो शेष रह गए कार्य हैं उसकी पूरी सरकार ने योजना बना रखी है और काफ़ी कुछ काम तो सैंक्शनड भी हैं, उनको बस पूरा करना है। शपथ ग्रहण है सर, उम्मीद लगाई जाए कि नीरज बोरा जी मंत्री बनेंगे? मैं एक सेवक हूँ और जनता का सेवक हूँ, कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, पार्टी के सभी आदेशों का पालन करता हूँ। बात करने के लिए तो नीरज बोरा जी जिनका साफ तौर पर कहना है कि हम बेहतर लड़ाई लड़े थे और इस बार फिर से एक बार हमें जनता ने जिताया है और हम बेहतर तरीके से इस बार फिर से विकास के पथ पर काम करेंगे विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए। मैडम, क्या रणनीति रहेगी, सरकार कैसे काम करेगी आगे, आज आप लोग अपना नेता चुनेंगे? सरकार ने जैसे इतना बढ़िया काम किया है, इतना शानदार जनमत मिला है, सरकार को समर्थन मिला है,
सरकार उसी तरीके से पुनः जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगी और विकास कार्य में जैसे तल्लीन थी वैसे जनसेवक बनकर काम करेगी। मंत्री कुछ आया ऐसा कोई मैसेज मैडम? नहीं नहीं मुझे तो साफ तौर पर अनुप्रिया जायसवाल जी का अनुपमा जायसवाल जी का कहना है कि पहले भी सरकार ने बेहतर तरीके से ही काम किया था और इस बार भी सरकार बेहतर तरीके से काम करेगी। आपने सुना कि जो विधायक है उन्होंने विधायक दल की बैठक में सम्मिलित होने आए तो उन्होंने क्या कुछ कहा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।